हेलो बच्चा लोगों, कैसे हो? बढ़िया। चलिए, मेरा नाम है अलकेश सर, फ्रॉम आराध्य क्लासेस, सिटी एम अहमदाबाद। दोस्तों, आज हम 11 साइंस इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के लिए फिजिक्स में जो चैप्टर 5 है, चैप्टर 5, आज डूब जाऊं तेरी आंखों की ओशन में, स्लो मोशन में, वो नहीं, लॉज ऑफ मोशन में। ओके, तो दोस्तों उसमें आज पार्ट 31 है, लास्ट पार्ट है ना। ठीक है, फिर उसके बाद देखते हैं एक्स्ट्रा सम्स का एक वीडियो रखूँ तो। बाकी लास्ट पार्ट है आपका एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक कंप्लीट, मजे करो। ओके, आज 31 वाले पार्ट में हम बात करेंगे एक्सरसाइज 5.11 की, सॉरी। ठीक है दोस्तों, एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक आप पास में लेके बैठेगा, थोड़ा अटपटा सम है, अटपटा सम है। क्या बोलना चाह रहे हैं बुक वाले कि एक ट्रक है एक ट्रक है दोस्तों, ठीक है। अभी स्टार्टिंग पे इनिशियली वो रेस्ट पे है, ठीक है, और अचानक से 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के एक्सेलरेशन से दौड़ना स्टार्ट करता है। 10 सेकंड के बाद यहाँ पे आता है, कितना सेकंड? 10 सेकंड के बाद यहाँ पे आता है, ठीक है। ओके, कोई इश्यू नहीं है। ओके, 10 सेकंड के बाद यहाँ पे आता है। थोड़ा ट्रक बड़ा बना देता हूँ, मुझे काम है इसलिए, ट्रक बड़ा बनाने पड़ेगा भैया, ट्रक बड़ा बनाना पड़ेगा। ठीक है, चला जा। ठीक है सर, छोटे से बड़ा हो गया ट्रक, अब ठीक है, कर लेना। V00 = 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, T = 10। 10 सेकंड के बाद यहाँ पे इसका वेलोसिटी कितना होगा दोस्तों? तो सिंपल है सर, V = V0 + 80, V = 2 × 10, मतलब यहाँ पे इसका वेलोसिटी होगा 20 मीटर पर सेकंड। वेरी नाइस सर, V = 20 मीटर पर सेकंड, T = 10 सेकंड पे ट्रक यहाँ पे है। अब क्या हो रहा है दोस्तों, अंदर बहुत अच्छी अच्छी लेवल वाली बातें की हैं दोस्तों, बहुत ही तगड़ी मजा आया था समय जोर। ओके, बात ऐसे ही बोल रहे हैं, एग्जैक्टली T = 10 सेकंड पे 20 मीटर पर सेकंड वेलोसिटी है ट्रक का, मतलब ट्रक एक्स डायरेक्शन में कितनी वेलोसिटी से जा रहा होगा? 20 मीटर पर सेकंड। अब उसमें एक आदमी बैठा हुआ है, एक इंसान बैठा हुआ है, तो ऑब्वियसली उसका वेलोसिटी भी कितना होगा एक्स डायरेक्शन में? 20 मीटर पर सेकंड। अब वो एग्जैक्टली T = 10 सेकंड पे उसके हाथ में एक पत्थर है, वो पत्थर को ड्रॉप कर रहा है, T = 10 सेकंड पे उसके हाथ में जो एक पत्थर है उसको ड्रॉप कर रहा है। समझना बात को, ऐसे ही खड़े हो और ड्रॉप करते हो तो नीचे ही गिरेगा। अब की बार क्या सीन हो रहा है, नीचे की तरफ तो वेलोसिटी होगा ही होगा, और साथ में वो ट्रक में है तो ट्रक में भी उसका वेलोसिटी 20 है इस तरफ। समझना बात को, इस तरफ भी वेलोसिटी है और नीचे की तरफ भी वेलोसिटी आएगा, आएगा कि नहीं आएगा भाई? तू पत्थर को ऐसे नीचे खड़े रह के, या तो स्टेडी रेस्ट वाले ट्रक में खड़ा रह के डाल रहा है पत्थर को नीचे, तो ऑब्वियसली उस पर जी ही लगना है, नीचे की तरफ ही जाना है, नीचे की तरफ वाई डायरेक्शन में वेलोसिटी होगा। अब की बार ऑलरेडी क्या हो रहा है, एक्स डायरेक्शन में कुछ वेलोसिटी है 20, और 20 वाली वेलोसिटी के साथ साथ उसको नीचे डाल रहे हैं, मतलब दोनों तरफ का वेलोसिटी इफेक्ट करेगा पत्थर पे, और अल्टीमेटली पत्थर जाएगा कहाँ पे? ऐसे डायरेक्शन में मूव करेगा, है ना, क्लियर है कि नहीं है? चला जाओ, तो हम ऐसे ही पत्थर को मूव करवा रहे हैं, देख लेते हैं। चलिए, हाँ, पत्थर को मूव करवा रहा हूँ मैं, पत्थर का भी अभी इनिशियली डायरेक्शन में एक्स डायरेक्शन में वेलोसिटी कितना है? 20 है, ठीक है। अब पत्थर को T = 10 सेकंड पे ड्रॉप कर रहे हैं, क्या बोल रहे हैं? ड्रॉप्ड आउट, ड्रॉप्ड किया, ठीक है। अब T = 11 सेकंड पे, 10 पे मैंने फेंका तो 11 सेकंड पे इस स्टोन का, इस पत्थर का वेलोसिटी कितना होगा, बस ये समझा दे तो कोई बात नहीं सर। देखिए, 10 सेकंड पे पत्थर यहाँ पे है, पत्थर पे एक्स वाला भी इफेक्ट कर रहा है और नीचे वाई वाला भी इफेक्ट कर रहा होगा ना, ठीक है। चलो आ जाओ, अब दोस्तों मैं पहले ये जानना चाहता हूँ, ये जो पत्थर का जमीन से डिस्टेंस है 6 मीटर है, अंदाजित 6 मीटर लिया है, ठीक है। तो देख लो, पहले T = 10 सेकंड से T = 11 सेकंड में
पत्थर कितना नीचे गिर रहा है, ठीक है। तो देखिए दोस्तों, t इज इक्वल्स टू 11 सेकेंड और t इज इक्वल्स टू 10 सेकेंड, तो इन दोनों के बीच में मतलब रिजल्टेंट एक सेकेंड हुआ, एक सेकेंड में पत्थर कितना नीचे गिर रहा है, तो v जीरो t प्लस हाफ जी टी स्क्वायर। नीचे गिर रहा है भाई पत्थर, पत्थर नीचे गिर रहा है, हाँ ऐसा पैराबोला कुछ होगा लेकिन पत्थर नीचे गिर रहा है, तो पत्थर का नीचे की डायरेक्शन में h कितना, ये तो जीरो क्योंकि ड्रॉप हो रहा है, जी सहूलियत के लिए 10 ले लूँ और टाइमिंग है एक सेकेंड, 10 से 11 के बीच में एक सेकेंड। ओहो सर, तो इस एक सेकेंड में पत्थर 5 मीटर जितना नीचे आया होगा, मंजे का है पत्थर यहाँ पे अभी, क्योंकि देखो 6 मीटर ऊपर था तो पत्थर अभी 5 मीटर यहीं पे अटका हुआ है कहीं पे, अभी नीचे नहीं गिरा है, तो बस इस यहाँ पे पत्थर अटक गया, इस टाइम इसका वेलोसिटी क्या होगा, बात समझना पूरी क्लियर। t इज इक्वल्स टू 10 सेकेंड पे 20 मीटर पर सेकेंड ट्रक का वेलोसिटी था, उसमें बैठे बंदे का वेलोसिटी था 20 इस डायरेक्शन में, और जब पत्थर हाथ में था उसका भी वेलोसिटी 20 था। जैसे ही पत्थर को छोड़ा, दो टाइप का वेलोसिटी आ गया, वी एक्स तो था और वी वाई नया आ गया, वी वाई नीचे की तरफ, ठीक है। तो मतलब पत्थर किस तरफ जाने वाला है, न सीधा न नीचे, पैराबोला पाथ अपना डिक्लेयर कर लेगा वो, ठीक है। पैराबोला पाथ डिक्लेयर किया, मेरे माइंड में ये आया, बुक में नहीं दिया है दोस्तों, सुनना दो, फंडा दे रहा हूँ, मेरे माइंड में ये सेट हुआ, साला 6 मीटर हाइट लिया है, 6 मीटर हाइट लिया है, पत्थर क्या नीचे गिर गया क्या, तो मैंने सोचा h इज इक्वल्स टू 5 मीटर मिला, मतलब अभी पत्थर ऐसे मार्ग पे जाएगा, ऐसे रोड पे जाएगा, ऐसे पाथ पे जाएगा, पन अभी ऊपर ही अटका हुआ है, अभी ऊपर अटका हुआ है, उस टाइम x डायरेक्शन में आपको पता है 20 मीटर पर सेकेंड, और वी वाई कितना मुझे नहीं आइडिया है सर, वी वाई कितना है मुझे नहीं आइडिया है सर, है ना, तो मैं वी वाई ढूंढ लेता हूँ, वी वाई इज इक्वल्स टू वी जीरो प्लस जी टी, है ना, नीचे की तरफ डायरेक्शन में मैंने कैसे ड्रॉप किया था, ड्रॉप किया था मतलब वी जीरो जीरो था, जी कितना है 10 और ये है एक, एक सेकेंड में ना, एक सेकेंड में उसका वेलोसिटी कितना हुआ 10 मीटर पर सेकेंड, टेन 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 टेन, फिर यहाँ पे कभी आगे गिर जाएगा, कभी आगे और कुछ सेकेंड के बाद नीचे धबाक हो जाएगा। चलिए बोलिए, तो इस पॉइंट पे उसका वेलोसिटी कितना, तो ऐसा दोस्तों मोशन वाली ऐसी प्रोजेक्टाइल वाली बातें आती है ना सर, तो रिजल्टेंट ऐसे निकालते हैं 400 प्लस 100, भाई 20 है इस डायरेक्शन में 400 हुआ स्क्वायर और 10 है इस डायरेक्शन में 100 हुआ, मतलब अंडर रूट 500 है, अब तेरे हिसाब से देख लेना क्या आंसर आ रहा है, किस एंगल पे गिरेगा, है ना। तो एंगल के लिए आराम से हमारे पास है tan थीटा इज इक्वल्स टू वी वाई अपॉन वी एक्स, tan थीटा इज इक्वल्स टू 10 अपॉन 20, तो थीटा इज इक्वल्स टू, तू देख लेना आंसर में, ठीक है ना, आंसर अपने आप से लाओ यार, तो आपको मजा आएगा, ठीक है। अब मुझे ऐसा बोल रहे हैं कि इस पॉइंट पे उसका एक्सेलरेशन कितना होगा, एक्सेलरेशन कितना होगा, तो दोस्तों देखिएगा आप पूरे रास्ते में x डायरेक्शन में वेलोसिटी कांस्टेंट है, x डायरेक्शन में वेलोसिटी कांस्टेंट है, इन x डायरेक्शन वेलोसिटी ऑफ स्टोन इज कांस्टेंट, सो हाँ लिख सकते हैं, सो देयर इज नो एक्सेलरेशन इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन x डायरेक्शन, ax इज इक्वल्स टू 0। तो बचा कौन सा सर, नीचे की तरफ ही खाली एक्सेलरेशन बचेगा, सो ओनली ए वाई इज इक्वल्स टू जी विल रिमेन प्रेजेंट, सो उसका a फाइनली कितना आ जाएगा उस टाइम 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। क्यों x डायरेक्शन में एक्सेलरेशन नहीं आया, x डायरेक्शन में एक्सेलरेशन कॉन्स्टेंट था 20 का, इसलिए अरे x डायरेक्शन में वेलोसिटी कांस्टेंट था 20, मतलब एक्सेलरेशन 0 था, तो अब खाली y डायरेक्शन में एक्सेलरेशन होगा, और y डायरेक्शन मतलब देखो ड्रॉप किया है, तो इस डायरेक्शन में एक क्या काम कौन करता है, g करता है दोस्तों, पारले g, तो 9.8, ठीक है, थैंक यू वेरी मच, ठीक है, चलो बाय बाय, टेक केयर।